वेलकम दोस्तों, गोवा की लेटेस्ट न्यूज के साथ मैं नंदिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप भी गोवा के बारे में जानना चाहते हैं या गोवा की लेटेस्ट न्यूज जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट न्यूज आप सबको मिलती रहे। तो चलिए आज की न्यूज मीन्स 6 नवंबर की न्यूज बताती हूँ। गोवा में क्या क्या खुल गया है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गोवा बहुत दिनों से खुला हुआ है। गवर्नमेंट बसेज आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यूज कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो टीटोज नाइट क्लब खुल गया है। कसीनो, सारे कसीनो खुल गए हैं। चर्च, सारे चर्च खुल गए हैं। सी बीच, सारे बीच खुल गए हैं, लेकिन क्राउडेड बीच बागा एंड कलंगुट है। इन दोनों बीचों के अलावा जो अन्य बीच हैं उनमें पब्लिक बहुत कम है। शॉपिंग मॉल, सारे शॉपिंग मॉल खुल गए हैं। वाटर स्पोर्ट्स, सभी प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स जैसे जेट स्की, बोट राइड, बनाना राइड, स्कूबा डाइविंग, डॉल्फिन ट्रिप सब ओपन कर दिया गया है। अगर आप अपडेटेड प्राइस लिस्ट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स जानना चाहते हैं तो मैं जल्द ही उसका वीडियो बनाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। बैक्स म्यूजियम ओपन हो गया है, जो एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। स्नो पार्क, अगर आप स्नो पार्क का एंजॉय करना चाहते हैं तो ये भी खुल गया है। दूध सागर वाटरफॉल्स यह भी ओपन हो गया है, जो कि एक फेमस वाटरफॉल्स है। टीटोज नाइट क्लब, गोवा का सबसे फेमस नाइट क्लब ओपन हो गया है और टीटोज लेन की सारी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। टीटोज लेन को 2 दिन पहले ही गोवा की पहली स्मार्ट स्ट्रीट बनाया गया है। अभी तक गोवा में क्या ओपन नहीं हुआ है और गोवा के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।